दादी जानकी के साथ आपका जो पहला अनुभव था वो हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए। यूं तो दादी के साथ बहुत बहुत सारे और बहुत वंडरफुल अनुभव हैं। बचपन से ही ज्ञान में चले और बहुत प्रेरणाएं दादी से ली, पर एक मैं बहुत विशेष अनुभव आपको सुनाती हूँ कि आज से करीब 12 साल पहले मुझे थोड़ा ऐसी कोई शारीरिक प्रॉब्लम हुई थी, एक छोटे से मोच से सेवाओं में ध्यान नहीं देने के कारण वो मोच बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसा हुआ कि वो पूरा एक साइड मेरा सेमी पैरालिटिक हो गया और मैं बिस्तर पे हो गई और हर तरह का इलाज करा लिया, टेस्ट करा लिया, टेस्ट सारे नॉर्मल थे, हर तरह के इलाज हो गए, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, तो नेचुरोपैथी और वो नस को खींचना करना, सब तरह के इलाज हो गए। 1.5 साल में बिस्तर पे थी और 1.5 साल के बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि अब इतने समय से ये नसें डेड है, अब इसमें कभी जान नहीं आएगी। तो उस छोटी सी उम्र में मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा, मेरे पास जितनी दवाइयाँ थी मैंने सबको फेंक दी और मेरे बाबा से कहने लगी कि ये छोटी सी उम्र में मैं शरीर छोड़ने अभी तैयार हूँ, मैंने आपकी सेवा के लिए जीवन दिया है, मैंने सेवा लेने के लिए नहीं, मैं एक ग्लास पानी नहीं ले सकती, वॉशरूम खुद से नहीं जा सकती, बैठ नहीं सकती, तो ये कैसे हो सकता है, आई एम रेडी, आप शरीर ले लो, मुझे नया शरीर दे दो। तो इतना पर वो सब होने के बाद जैसे एक बाबा में पूरी समर्पणता से बुद्धि टिक गई, अब कोई सहारा बचा ही नहीं। तो जैसे कहते हैं उस समय जो योग की गहरी एकाग्रता की जो अनुभूति से जो आत्मा में जो शक्तियाँ प्रवेश हुई, उसके शरीर पर असर दिखने लगे, मेरी उंगलियाँ हिलने लगी। और लेकिन ये था कि इस 1.5 साल के बीच में जब मैं बिस्तर पे थी तो एक साइड पैरालिटिक था लेकिन दूसरा साइड चल रहा था, तो उसी से बाबा ने निमित्त बनाया कि कुछ मैंने मल्टीमीडिया का भी किया हुआ था, तो काफ़ी कुछ डिज़ाइंस, पिक्चर्स वगैरह सब उस समय किए और उन्हीं पिक्चर्स से एक बहुत बड़ा मेला तैयार हुआ, एक आध्यात्मिक फेयर तैयार हुआ जो कि इंदौर में उसका फर्स्ट एग्जीबिशन बहुत बड़े स्केल में लगना था और उसका उद्घाटन करने जानकी दादी को आना था। तो जब ये सारा बन गया लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा योग से अब मेरी उंगलियां हिलने लगी, थोड़ा मैं बैठने लगी, वो असर हुआ, तो व्हीलचेयर पर थोड़ा चल पाती थी, जा पाती थी, तो ऐसे ही थोड़ा खड़े होने लगी थी लेकिन गिर जाती थी। तो जब ये हुआ कि दादी वहाँ पर उद्घाटन के लिए आ रही हैं और सारे पिक्चर्स, कहा कि कंसेप्ट सबने मिलकर दिया, दूसरों ने दिया, डिज़ाइनिंग थी, तो आपको आना ही है क्योंकि दूसरा तो कोई जानता भी नहीं है उस सीक्वेंस को और उसको समझाने के लिए भी आपको ही उपस्थित होना है, तो हम कैसे भी करके फ्लाइट से वहाँ पर पहुँचे और आखिरी दिन तक मेले की तैयारी में थोड़ा एक्सर्शन हो गया और हमारे जो ओम प्रकाश भाई जी संस्था के जो जोनल हमारे हेड रहे, उन्होंने कहा कि आपको ही दादी को पूरा एग्जीबिशन समझाना है। मृत्युंजय भाई साहब ने सुनाया सभा में कि बहुत पहले शायद 84-85 में यज्ञ में इतना बड़ा मेला लगा था और उसके बाद सबसे बड़ा मेला ये है। तो अब दादी आ गई, दादी ने उद्घाटन भी, रिबन भी काट दिया, पर मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं कुर्सी से अब उठ नहीं सकती, मेरा पुनः पूरा पैर स्टिफ हो गया, मैं खड़ी हूँ तो गिर जाऊँ, खड़ी हूँ गिर जाऊँ, मैंने कम से कम 12 बार ट्राई किया पर मैं खड़ी नहीं हो पाई, मेरे आंखों से आंसू बह गए कि अब इतना बड़ा मेला, इतना सबने मेहनत से तैयार किया है और कोई जानता भी नहीं है इसको समझाना, मुझे समझाना भी है पर मैं तो खड़े ही नहीं हो पा रही हूँ। दादी जी आ भी गई और सब जगह आवाज़ लग रहा था, प्राची बहन कहाँ है, और मैं तो कुर्सी से उठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने देखा दादी सामने से आ रही है और दादी ने ऐसे हाथ दिया, मैंने दादी का हाथ पकड़ा और पूरी तरह से अश्वरीरी बन गई और खड़ी हो गई। वो पूरी वीडियो शूटिंग है मेरे पास कि उस समय करीब
94-95 ईयर्स की दादी, पूरा मेला, इतना विशाल मेला, दादी के पास कई बार कार आई दादी की कि दादी कार में बैठ जाओ, कार से पूरा देख लो। दादी ने हर बार कार को वापस भेज दिया। पूरा दादी पैदल घूमी और दादी मेरा हाथ पकड़कर, वीडियो में तो ऐसे लग रहा है कि मैं 94 साल की दादी को हाथ पकड़ के घुमा रही हूँ, लेकिन असली बात तो ये थी, दादी मेरा हाथ पकड़कर मुझे घुमा रही थी। और उस दिन से आज दिन तक चल रही हूँ, बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीज़ के। और दूसरी बात, मैंने दादी की उस उम्र में भी जो शार्पनेस देखी, यूँ तो मेडिकल साइंस यूँ कहता है कि एक एज के बाद जो है वो ब्रेन जो है पुराने जैसे बच्चों जैसा होने लगता है ना, लेकिन मैंने दादी को देखा कि सच एक इतनी विशाल संस्था की मुख्य प्रशासिका बनने के सीट पर जो बैठी हैं, दादी की क्या मेंटल जो स्मार्टनेस है, जिसको कहे बारीकी को पहचानने की, जो दादी को जब कहा समझाने के लिए तो मैं दादी के पास एक स्टॉल में ऐसे पूरे पिक्चर्स को एक जगह खड़े होकर दादी को जैसे समझाने लगती, दादी कहती, दादी एक नज़र में सारा देखती थी, क्योंकि हमने बहुत थोड़े से समय में, करीब केवल 50 दिनों में 100 पिक्चर्स डिज़ाइन किए थे, तो कुछ कुछ छोटी मोटी गलतियाँ थी जो सिर्फ मुझे ही पता थी, पर वो कहीं से किसी को पता भी नहीं लगेंगी, लेकिन दादी ने एक नज़र में कई सारी चीज़ें मुझे दिखा दी। मैंने दादी को, मैं देखती रह गई, और दादी ने उस समय मुझे कई पिक्चर्स में सजेस्ट भी किया कि इसमें ऐसे रखना, इसमें ऐसे रखना, अगला बनाएंगी ऐसे रखना। तो जैसे दादी ने न केवल मुझे इस आध्यात्मिक जीवन में बल दिया, प्रेरणाएँ दी, लेकिन मेरे इस आध्यात्मिक जीवन में मुझे हर तरह के शारीरिक तौर पर भी चलने की वो शक्ति दी। आज जो भी हम कर पा रहे हैं, दादी ने मुझे चलना सिखा दिया, आध्यात्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। बहुत बहुत अद्भुत बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। धन्यवाद।